लाइव के दर्शकों को कंचन माहेश्वरी का नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिलीगुड़ी का दिल माना जाने वाला नया बाजार की। इस दिल को धड़कने से रोक रही है एक महामारी, ट्रैफिक जैम। हालांकि यह बीमारी कोई नई नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन एक भयंकर रूप लेती जा रही है। सिलीगुड़ी का मुख्य थोक बाजार, जिसकी गति थम सी जाती है इस ट्रैफिक जैम से। सैकड़ों ट्रक यहाँ रोज लोड अनलोड होते हैं। रिक्शा वैन, पिकअप वैन और दो पहियों जैसों का जमावड़ा लगा रहता है यहाँ पर। ट्रकों और रिक्शों का जाम कभी कभी पूरे पूरे दिन नहीं खुलता यहाँ। आपस में आड़ी तिरछी फंसी गाड़ियों के जाम से लोग परेशान रहते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन गुस्साते चिल्लाते लोग यहाँ बहुत मिलेंगे। यहाँ रहने वालों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना स्वाभाविक है। इस जाम से कभी कभी पैदल भी निकल पाना मुश्किल है, तो सोचिए अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए आगजनी जैसी, तो कैसे फायर ब्रिगेड पहुंचेगी वहां तक? कभी कोई अचानक बीमार पड़ जाए या गर्भवती महिलाओं को इमरजेंसी हो जाए, तो एम्बुलेंस कैसे पहुंच पाएगी आपके घर तक? यह केवल व्यावसायिक इलाका नहीं है, रिहायशी भी है। सैकड़ों परिवार यहाँ रहते हैं, बच्चे स्कूल आते जाते हैं, बहु बेटियों को समय असमय तैयार होकर अगर समारोह में जाना हो तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे संवाददाता ने वहाँ के कुछ व्यवसायियों से बातचीत की। कुछ लोगों का कहना है, हमें क्या लेना देना। कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही चलेगा। किसी ने कहा, जी हमने तो कहीं और घर बना लिया है। तो जनाब, कहीं और घर बना लिया है, लेकिन उस घर को चलाने वाली दुकान या गद्दी आपकी यहीं है, लेने का देना तो आप ही को पड़ेगा। प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रक वगैरह रहता है, वैन वगैरह, टेम्पू वगैरह, जाम लगेगा ट्रक और एम्बुलेंस तो आ ही नहीं सकता है। इमरजेंसी कोई भी अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं आ सकता है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ट्रक वगैरह यहाँ पे ऑलवेज हमेशा जाम लगा रहता है, मॉर्निंग सुबह से लेकर रात तक। और गाड़ियों का जो टाइमिंग है उसको सेट करना चाहिए उसके हिसाब से कि कब इन होए कब आउट होए, तो अब प्रशासन देखे उसके बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान तो देना चाहिए। देखिए, इस विषय में क्या है कि कुछ तो हमारे व्यापारियों को जागरूक होना ज़रूरी है और प्रशासन को भी इस विषय में थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जगह जगह ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस की व्यवस्था की दरकार है वो हमें यहाँ नहीं मिलती है खालपाड़ा के अंदर में। और यहाँ पर अधिकतर बाहर से ही व्यापारी आते हैं और उनकी क्या है, छोटी गाड़ी आने के कारण लोडिंग का समय एक ही हो जाने के कारण, और नो एंट्री की जो बड़ी समस्या रहती है जिसके कारण एक समय के अंदर में गाड़ियाँ आती है और उस समय कुछ रोड कंजेस्टेड हो जाते हैं। क्या किसी बड़ी दुर्घटना के होने का आप इंतजार कर रहे हो? प्रशासन पर हर चीज थोप कर आप फ्री नहीं हो सकते, थोड़ा सहयोग तो आपको भी करना ही होगा, चाहे वो सजेशंस लेके आगे आने का ही क्यों ना हो। वार्ड काउंसिलर से भी हमारे संवाददाता ने बात की। उनका कहना है कि समस्या का कुछ हद तक निदान हो सकता है अगर सभी सहयोग करे तो, लेकिन यह हद क्या है, कहाँ है, कौन तय करेगा? जैसे हम सब जानते हैं, नया बाज़ार एरिया जो है ये पूरा व्यावसायिक मंडी है। इसमें आसाम और पहाड़ में माल जाते हैं, आसाम जाते हैं, डुआर्स एरिया में जाते हैं, तो इसमें बहुत बड़े क्षेत्र में मतलब माल का आना जाना होता है, तो स्वाभाविक बात है वहाँ पे जाम होगी। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से अगर इसको हैंडल करें कि जब आपकी गाड़ी आती है उसको हम लोग अनलोड करके सुबह जल्दी जल्दी अगर हम लोग रास्ते को खाली कर दें, तो मुझे लगता है कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हमें कुछ सुझाव भी मिले, कुछ हमने भी जोड़े, जैसे लोडिंग अनलोडिंग का टाइम फिक्स हो, या तो बड़े सवेरे हो या लेट नाइट। अपने वाहन यूं ही तीतर बितर पार्क ना करें, माल को रास्ते तक ना सजाएं। मजदूर या कूली वर्ग अपनी वैन कुछ यूं पार्क करें ताकि लोग पैदल तो निकल पाएं। और गहराई तक सोचने से कुछ और भी उपाय मिल सकते हैं। एक दिन में सब कुछ चेंज नहीं होगा, इवन रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। हम पहले नहीं होंगे जिसने इस समस्या को उठाया है, लेकिन प्रॉपर फॉलोअप के बिना काम अधूरा रह जाता है, या फिर सरकार या प्रशासन को दोष देकर फिर वही ढर्रे पर चल पड़ती है ज़िंदगी। प्रशासन का साथ दें, सुझाव लेकर आगे आएं, पहला कदम खुद बढ़ाएं, क्योंकि समस्याओं से भी तो आप ही जूझ रहे हैं। समस्या इतनी भी बड़ी नहीं है, लेकिन पहला कदम आपको ही बढ़ाना होगा, कहीं बहुत देर ना हो जाए।
आपके सुझावों के साथ इस चर्चा पे हम आगे भी परिचर्चा करने की कोशिश करेंगे। अपने सुझावों के साथ एसके लाइव से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।